आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। डीडीसी रवि रंजन मिश्रा ने किया कुपोषण केंद्र का निरीक्षण। बोकारो के उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने बीडीओ इंद्र कुमार ने पेटरवार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कुपोषण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले श्री मिश्रा ने उपस्थित चिकित्सा प्रभारी अजय कुमार चौधरी एवं एएनएस अनीता कुमारी से कुपोषित बच्चों के एडमिट पंजी की जांच करते हुए जून जुलाई के माह में एक भी कुपोषित बच्चे को कुपोषण केंद्र में नहीं लाने पर चिकित्सा प्रभारी अजय चौधरी को उनके कार्यशैली पर कड़ी फटकार लगाते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि कई बार निर्देश देने के बावजूद गांव में बैठक कर कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने को कहा गया है, क्यों नहीं बैठक करते? फील्ड में काम नहीं करने के कारण यह भी स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी बच्चे स्वस्थ हैं, एक भी बच्चा कुपोषित नहीं है। बैठक करने में शर्म महसूस होती है क्या? उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि यहाँ की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पर प्रतिनियुक्त कर्मियों में कार्य करने की क्षमता नहीं देखने के कारण स्थिति ऐसी है तथा काम में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मिथिलेश कुमार के साथ पंकज कुमार सिंह की रिपोर्ट। सुपरवाइजर और कंसर्निंग एमओआईसी के संबंध में उपायुक्त को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार इन लोगों को पत्र के द्वारा भी और समय समय पर बैठक में भी ऐसा निर्देश दिया है कि आप रेगुलर जो है गांव में बैठक कर करके कुपोषित बच्चों की पहचान करें और पूरा का पूरा बेड जो है भरा रहना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। जून जुलाई के बाद से बच्चों की संख्या में यहां निरंतर गिरावट आई है हमारे स्टाफ में। इसके संबंध में हम कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से उपायुक्त से अनुरोध करेंगे। अनियमितता नहीं, बच्चे जब आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट तो होगा ही। बच्चे नहीं आ रहे हैं इसका मतलब सबसे पहले बच्चे जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको यहाँ लाना पहले हम लोगों का कर्तव्य है। आएंगे तो ट्रीटमेंट तो होता ही है और अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है, लेकिन इन लोगों ने अभी लापरवाही बरती है तो इस पर हम लोग एक्शन लेंगे।